मेरा ऑडिशन आज तक नहीं हुआ, वो मैंने दिया भी नहीं, आज तक कोई ऑडिशन नहीं दिया, वो मैं देना भी नहीं चाहता ऑडिशन। भैया मेरा काम देख लो, अगर दिखाई दे जाए वहाँ से आपको लगता तो लीजिए, नहीं लगता तो नमस्ते। मैं कभी ऑडिशन देने के उसमें नहीं देता। मैं कहती ये कास्टिंग में ये लेते कैसे होंगे, ये जो ऑडिशन लेते हैं वो कौन है, कौन लोग हैं, पहले वो अपना ऑडिशन तो करवा लें कि उस लायक हैं कि नहीं। जब वही लायक नहीं तो फिर किसका ऑडिशन लोगे आप, कैसे करोगे? उसके लिए पहले आपको भी आना चाहिए, आपको कलर्स की पहचान होनी चाहिए, आपको जिंदगियों की पहचान हो जाए। तो ऐसे थोड़ी उठा के शक्ल देख के कि ये कर लेगा वो कर लेगा, तो मैं उससे वो नहीं रखता। या तो उसके लिए उतनी मशक्कत करिए, ये कोई भी उठ के, बहुत सारे फ्लॉप लोग हैं जिन लोग कहीं कामयाब नहीं, उठ के वो कास्टिंग करने लग गए। तो ये तो लोगों को भटकाने वाले काम है। उससे कुछ लोग हैं जो बहुत बेहतर हैं, जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है, और कुछ लोग तो बस ऐसे ही। नमस्कार, मैं रघुवीर यादव और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए जीतू अंबानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, आपके शब्दों में आपकी फिल्म। मेरी फिल्म जीतू अंबानी और ये एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली के बीच के दरमियान की कहानी है। और जाहिर है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं और माँ बाप कुछ और करवाना चाहते हैं, बस वही कश्मकश है। और ले दे के ये है कि अगर बच्चों को उनके टैलेंट या उनके हुनर या उस पर छोड़ दिया जाए, उसकी उनकी ज़िम्मेदारी अगर उन्हीं को दे दी जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उनमें अगर दखल अंदाजी की तो बच्चे बिगड़ते हैं, फिर रास्ता वो ढूंढने में वक्त गुजार देते हैं। तो इस कहानी का यही है कि फादर और उसके बीच की सिर्फ इस वजह से नहीं बनती कि फादर कुछ और करवाना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है बेटा, तो बस यही कश्मकश है। और ले दे के ये होता है कि बेटा शायद कामयाब भी हो जाता है अपनी, तो फिर लगता है कि नहीं, बाप को एहसास होता है कि नहीं, जो बेटा जो सोच है उसकी वो कम से कम ये तो है आगे बढ़ने के लिए, वो जिस तरह के राह पे चलता है तो देखा जाए तो ठीक है, वो सही 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 रास्ते पे। जी, और ये जो पिता हैं जो आप निभा रहे हैं वो किस मिजाज के हैं, क्या है? क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, गरीब है। गरीब क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है। और यही है कि तरक्की तो जो फादर चाहता है, वो चाहता है कि बेटा और जो भी हो तरक्की ही करे, तो बस वही तरक्की के रास्ते में है। क्योंकि ये जो ज़माना है मिडिल क्लास फैमिली का, वो बहुत है कि बगैर उसके काम चलता नहीं है, तो चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पाते, क्योंकि कुछ हैं उनकी भी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि शायद उतने ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, छोटा मोटा धंधा करते हैं। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा वो है कि ईमानदार है, कोई उस तरह का नहीं है, गांव में अपनी इज्जत उसकी बरकरार है, उसी इज्जत में रहते हैं वो, और चाहते हैं कि वो जो इज्जत उनकी घर में है बेटे भी उनकी इज्जत को आगे ले जाए और बड़ा बने। सर ये फिल्म शूट कहाँ पे हुई है? ये उदयपुर में शूट हुई है जी, राजस्थान में। और हाँ, और बड़ी खूबसूरत जगह है राजस्थान, तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत सा है। गर्मियों के दिन थे तब भी काम में हम ऐसे डूबे हुए थे कि गर्मी का और कुछ कोई एहसास हुआ नहीं। फिर यूनिट इस तरह का था कि बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग काम करने में जुटे हुए थे, और पूरा यूनिट और पूरा जो टीम वर्क था वो बहुत ही बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ के काम कर रहे थे। तो जाहिर है कि जब ऐसा काम होता है तो काम तो बेहतर होता ही है, बन ही जाता है। लेकिन नए लोगों के साथ काम करना या पहली बार किसी एक्टर के साथ काम करना आपके लिए नया नहीं है जी, पर इस बार टीवी की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री है जी, जी। तुषार अपने आप में आप जानते हैं कि नया बच्चा है, थिएटर से एनएसडी से आए हैं, कैसा रहा और क्या कुछ सीखा और क्या सिखाया? मैं सीखता जाता हूँ, ज़्यादा सीखता हूँ। सिखाना तो मैं क्या किसको क्या सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे खुद ही अपने आप में इतने टैलेंटेड और सब कुछ हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं कभी किसी को नया नहीं समझता, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें हम मैं भी नया ही होता हूँ और वो भी नया है, तो नए पुराने का वो नहीं आता। बस मेरा यही मकसद होता है कि मिलजुल के और चीज़ों को समझ के, क्योंकि जैसे मैं समझ रहा हूँ वो भी उसी तरह समझ ही रहे होंगे, और अगर कोई मेरा तजुर्बा उसमें काम का होता है तो मैं वो कर दें, तो ऐसे ज़बरदस्ती अपनी उसको थोपना नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा ही समझदार हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है और उसी उस सोच समझ के दौरान हम काम कर जाते हैं। लेकिन फिल्म का जो विषय है वो बहुत ही चोट करने वाला है, जिसे थोड़ी कॉमेडी के साथ आप लोग कह रहे हैं जी,
असल जिंदगी से जब इसको देखते हैं इस कहानी को आज के समय में, तो कितना पाते हैं कि समाज कितना बदला है, कितना सुधरा है, और अभी भी क्या इस तरह की सोच है? बिल्कुल, सोच तो बदलती रहती है, और क्या है, हर घर की, हर उसकी ज़माने की सोच बिल्कुल फर्क होती चली जाती है, तो कहानी का भी यही है। और जहाँ तक आप कॉमेडी की बात कह रहे हैं, तो कॉमेडी के पीछे हमेशा ना कोई ट्रेजेडी होती ही है। अगर वो ट्रेजेडी सही मायने में नहीं होगी तो कॉमेडी भी निकल के फिर वो कैरिकेचर और मिमिक्री हो जाती है, इसमें वो नहीं है। ये सिचुएशनल कॉमेडी कहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा, ब्लैक कॉमेडी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि इसमें किसी ने कॉमिक कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, वो कैरेक्टर, वो सिचुएशन इस तरह की बनती है कि उसको देख के थोड़ा मज़ा आता है, बस यही है। सर, बीते दिनों आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी चर्चा हुई अभी हालिया पंचायत से हुई है जी, और बहुत प्यार मिल रहा है जी, क्या कहेंगे दर्शकों को, जो लोग अभी भी देख रहे हैं और रो रहे हैं देखते हुए जी, आपकी वो जो सरलता सुगमता से की गई किया गया अभिनय है जी, आप क्या कहेंगे? तो यही कहना चाहूँगा कि देख लीजिए सरलता और सहजता में कितनी ताकत होती है, कि अगर कोई काम बहुत सरल और सहज तरीके से ईमानदारी से किया जाए तो उसका असर पड़ता ही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि यही सिलसिला शुरू होने चाहिए और करते रहने चाहिए, कि सरलता से और ज़मीनी काम जो है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ है, और हमारे हिंदुस्तान गांव से और विलेज से ही जाना जाता है, तो वहाँ इतना कुछ पड़ा हुआ है कि अगर उस पर काम किया जाए तो मेरे ख़्याल से हज़ारों साल तक कम पड़ेगा, हज़ार साल भी कम पड़ेंगे, तो इतना कुछ है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, और है कल्चर में इतनी वैरायटी है कि आप करते रहिए तो बस। लेकिन क्या उसके पीछे मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तब कहीं जाके होगा। ये नहीं किताब में पढ़ के या इधर उधर की नकल मार के या सुन के, वो नहीं, वहाँ थोड़ा सा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी जी। पंचायत का वो सीन जो आपका भी फेवरेट है जी, वो कौन सा सीन है? देखिए, मेरे सारे सीन फेवरेट है, मैं कभी ऐसे नहीं कहता ये फेवरेट है, कि मैं पूरी साफ नियत से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करता हूँ, तो मेरे लिए तो सारे फेवरेट है, कोई छोटा बड़ा और उस तरह का कभी नहीं सोचा, तो मैं बता भी नहीं सकता कौन सा फेवरेट है, मेरे सारे फेवरेट है, मेरी एंट्री भी मुझे लगता है कि वो है, तो फेवरेट मैं कभी नहीं कहूँगा, मैं पूरे ईमान के साथ करता हूँ, तो ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्या होता है कि जब कोई काम आप करते हैं और वो बेहतर हो जाता है और लोगों तक पहुँचता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो हमें उससे बहुत खुश नहीं होने चाहिए, जितना होना है उतना, लेकिन खुश हो के ये कि आप आने वाले काम को बिगाड़ दें, वो ज़्यादातर यही होता है, कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अब जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता, ये काम करने के बाद और अगर उसकी तारीफ होने लग जाए तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो होता ये है कि खासतौर मैं इस तरह सोचता हूँ कि हमें बाकी काम आगे वाला भी और ज़िम्मेदारी से ही निभाना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि लोगों को अच्छा लग जाना है तो उनके लिए तो वो तो पहले हमारी जिम्मेदारी थी, अब दोबारा और बेहतर करने की वो भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर, देखिए, आपके जैसे दिग्गज एक्टर जो होते हैं, जब जिनका काम पंचायत जैसे उसमें या बहुत ऐसे आपने काम जी है, जी जी, उसके बाद किस तरीके से आप लोगों का मार्केट में एकदम वैल्यू बढ़ जाता है, और एक जो हीरो हमारे यहाँ अलग है, आप लोगों ने एक्टिंग का दावेदार आपने संभाल के रखा है, दावेदारी आपके पास, लेकिन एक स्टार्टअप और हीरो की बात होती है, लेकिन जब काम सराहा जाता है तो कहीं ना कहीं बाजार तब जाके विश्वास करता है एक बेहतरीन एक्टर जी जी। बॉलीवुड के इस उस पर आपकी कोई राय, मतलब आप कैसे देखते हैं कि एक अच्छे एक्टर को फिर एक स्टारडम को अलग अलग देखा जाता है? वो उस पर मैं वो भी नहीं करता, वो ठीक है, सबका अपने अपने जीने का तरीका है, ये ईमान उनके साथ है, जो स्टार अपने आप को समझने लग जाते हैं, और वो मैंने हमेशा एक्टर की तरफ तवज्जो दी है, कि एक्टर को कैसा होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो क्यों स्टार की सोचे, मैं अपने काम पे मेहनत करना चाहता हूँ, और हमेशा हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश रही, इससे पहले तो मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, और काफ़ी सालों तक मैं 6 साल मैंने पारसी थिएटर किया, उसके बाद NSD में था 3 साल ट्रेनिंग, फिर 10 साल वहाँ थिएटर में रहा, तो कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि बस मैं अपने कॉलर खड़ा कर लूँ, मैं हर काम को नए सिरे से और नए तरीके से और ज़ीरो से शुरू करता हूँ, और सीखते हुए शुरू करता हूँ, कि और सीखना मेरा हमेशा चलता रहता है, और क्या मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या हूँ, मैंने उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, और ना कोई अगर स्टार बन गया या कोई वो हो गया, वो चाहे कम जानता हो चाहे ज़्यादा जानता हो, उस पर मैंने तवज्जो नहीं, मैंने अपने ऊपर ध्यान हमेशा रखा है, कि मैं जो करूँ मैं अपनी ईमानदारी से, मैं अपनी नीयत से करूँ, जो मेरी नीयत है, जिस नीयत से मैं थिएटर में या NSD में या वहाँ थिएटर में काम करता रहा। मैं ये
स्टारडम एक अच्छे बेहतरीन एक्टर के जो एक्टिंग की कला है उस पर स्टारडम हावी हो जाता है ऐसा हमें हो तो जाता है, लेकिन एक्टर को कम चाहिए कि हावी नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये हावी हो जाता है और उसने समझ लिया कि वो हावी हो गया तो फिर वो और चीज़ों को वो सीखना बंद कर देगा, ज़मीन से ज़मीन छोड़ देगा, और जैसे ही उसने ज़मीन छोड़ी तो फिर वहीं रह जाएगा, फिर वो या तो स्टारडम में चले जाइए, अच्छा बेहतर की तरफ बेहतर रास्ता इख्तियार कर लीजिए। तो ये अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके की सोच है और अपने तरीके का चलना है कि किस तरह आपको राह तय करना, रास्ता तय करना है। बॉलीवुड बीते कई दशकों में लगातार बदला और आपने एक लंबा समय, कई दशक हो गए आपको यहाँ पे काम जी, जी। इस बदलते स्वरूप को कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं? देखिए बदलते बहुत पहले से आ रहा है, बदला है, कभी अच्छी तरीके से बदला है, कभी बुरी तरीके से, कभी गलत असर पड़े हैं, कभी अच्छे असर, तो ये तो सर्कल ये चलता रहता है। अभी बीच बीच में पहले अच्छी फिल्में बनती थी, 80 के दशक में फिल्मों ने जो कमर्शियल रुख अख्तियार किया तो कहने लग गए कि बस, और जो अच्छी फिल्में थीं या तीन तीन कैटेगरी में फिल्मों को डिवाइड कर दिया, एक पैरेलल सिनेमा हो गया, एक कॉमर्शियल सिनेमा हो गया और एक आर्ट मूवी हो गई, तो तीन वो आ गए थे। मैंने कभी ऐसे नहीं माना, मैं अच्छी फिल्म और या तो फिल्म ख़राब होगी अच्छी फिल्म होगी, ये जो कॉमर्शियल और ये सब इसको मैंने कभी नहीं माना। और दूसरी बात ये कि जो उस 80 के दशक में ये जो आर्ट फिल्म और क्या पहले को उठा के देख लीजिए, ब्लैक एंड वाइट फिल्म दो बीघा ज़मीन और वो काबुली वाला, उनको उठा के देख लीजिए, वो क्या थी, उनको क्या कहोगे आप, कॉमर्शियल कहोगे, पैरेलल सिनेमा कहोगे, आर्ट उसमें क्या नहीं था, सारा कुछ है उसमें। तो ये बस वही है कि लोग दर्शकों को वो करने और दर्शकों पे थोप देना कि जो वो चाहते हैं हम उस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ये है कि एक तो कल्चर का धंधा सा बना लिया था, तो वो थोड़ा मुझे नागवार गुजरा और उस तरफ मैंने रुख नहीं किया। मैं उस तरह की फिल्मों में मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखता कि उस तरह की फिल्में की जाएं, क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल दूसरी तरह का काम करने की थी और वही करता आया मैं। सर ये तो फिल्मों की और काम की बात, पर्सनल लाइफ में क्या रूटीन होता है आपका, अगर शूटिंग नहीं करते हैं तब उस समय क्या शौक आपका होता है? मैं म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने एक अपनी वर्कशॉप बना रखी है, तो कभी म्यूज़िक कुछ बनाता रहता हूँ, कभी फ्लूट बना लिए, कभी कुछ बना लिया, तो ऐसे ही उसी में डूबा रहता हूँ, तो वक्त बड़ा कम लगता है, ऐसा लगता है कि वक्त को ज़ाया ना किया जाए, कुछ कुछ करते रहता हूँ, उस दिन कुछ नहीं करता तो बड़ी तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो इस वजह से मैं म्यूज़िक से ही उलझा रहता हूँ। किताबें हैं बहुत सारी, वो है क्योंकि किताब पढ़ना और ये सब मैं बचपन से आदत पड़ी हुई थी, और दिल्ली में जब थे हम तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम नई सड़क से पुरानी पुरानी किताबें लेके आया करते थे, और वो अभी भी कभी कभी वो किताबें निकल आती हैं, और लॉकडाउन के वक्त तो बहुत सारी किताबें झाड़ पहुँच के हमने दोबारा से लगाई, तो बड़ा अच्छा लगा, नज़ीर अकबर आबादी और वो बहुत सारी जो उस तरह के थे सब, गालिब, मीर, शहदान, ज़ौक, इन सबको। और एक्टर है तो फिट रहना भी ज़रूरी है, तो फिट रहने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उठना, क्या खाना, क्या? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पक्का वेजिटेरियन हूँ, और दूसरी चीज़ में यकीन नहीं रखता मैं, नशा मेरा म्यूज़िक है, तो उससे मैं योग योग में जाता रहता हूँ, केवल धाम 4-5 महीने में एक चक्कर, हफ्ते भर या 15 दिन जो भी मेरा हुआ तो वहाँ चला जाता हूँ, और अगर और देखता हूँ कि एनर्जी ख़त्म हो रही तो घर की तरफ चला जाता हूँ, गांव में वहाँ जाके लोगों से मिलता हूँ, फिर एनर्जी इकट्ठी करा करके ले आता हूँ, और फिर यहाँ बम्बई आकर खर्च करने लग जाता हूँ। अगर एक आपके पास कोई पावर आ जाए, मैजिकल पावर, बॉलीवुड में काम करने के तरीकों पे एक बदलाव करना हो, तो कौन सा बदलाव आप करना चाहेंगे? मैं तो सबको हाथ में किताबें पकड़ा दूँ और कहूँगा गांव में चले जाओ, ज़रा पढ़े लिख लो भैया, थोड़ा सा पढ़ लिखो या लोगों ज़िंदगी को समझ लो ज़रा, और क्या है कि क्यों आप हमेशा दूसरी ज़िंदगियों पर काम करते हो, उनकी रूह को समझ लो। मैं तो सबसे पहले कि रूह कैसे समझी जाए, आत्मा को कैसे समझाए, जब तक वो नहीं समझोगे तब तक इमोशन और ये सब आप धरे रह जाएंगे, अलग धरे रह जाएंगे। तो आपको लगता है बॉलीवुड इस मामले में, मतलब आर्ट उसके मामले में कम पढ़ा लिखा है, उसको बहुत नहीं पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ की बातें नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो नहीं देते वहाँ पे, जो हमारी ज़मीन पे तवज्जो नहीं देते, ज़मीन की तवज्जो, ज़मीन जो हमारी यहाँ की ज़मीन है इस हिंदुस्तान की, उस पर तवज्जो नहीं देते, उस पर ज़रा गौर करें, यहाँ के संस्कार किस तरह से बनते हैं लोगों को, किस तरह की नियत होती है काम करने की, और फिर जाके कहीं ना कहीं बरगला जाते हैं, बिगड़ जाते हैं,
तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो दे तो फिर ये पंचायत जैसे फिर वो बेहतर होंगे जी। आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ और कब कब नजर आएंगे जो बता सकते हैं, जिसकी आपको छूट मिल गई है बताएं? एक तो यही अभी जो नई फिल्म है, एक दो फिल्म और है मेरी, मेरे को बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। एक मनोहर पांडे हैं जो कौशिक गांगुली की फिल्म है, कैलकटा में मैंने शूट की है। एक यात्री एक फिल्म है और बस ऐसे ही हैं। और कुछ और हाथ में स्क्रिप्ट आए हुए हैं तो उन पर थोड़ा सा नज़र डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे कब होंगी क्या होगी, बस यही। वो 10 काम जो आपके करियर का माइलस्टोन बन गए, आपको लगता है एक एक वो 10 सीढ़ियाँ जैसे आप चढ़े हैं जी, काम की 10 सीढ़ियाँ जी, वो कौन सी है? सबसे पहले जो बैलगाड़ी मेरे लिए सबसे अहम थी, जिसने मुझे रास्ता तय करना सिखाया, फिर म्यूज़िक, फिर रामलीला रासलीला जो म्यूज़िक का वो था, ये माहौल था। फिर मंदिर, मेरे नाना जी का बनाया हुआ मंदिर, जहाँ सब तरह के लोग, छोटे बड़े, कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, वहाँ के भजन गाते थे। वो भजन, उन भजनों से मैंने बहुत सीखा। रामायण एक थी जो मेरे पिताजी फादर पढ़ा करते, फिर मैंने तुलसीकृत रामायण उसको मैंने कई बार पढ़ा। और एक 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 जब मैं पारसी थिएटर में था, वहाँ मुझे एक सज्जन मिले, क्या नाम था उनका, सार्जेंट बाबा उनको कहते, वो गेट कीपर हुआ करते वो थिएटर के। उन्होंने एक सबक मुझे सिखाया कि नकल करना छोड़ो, अगर नकल करोगे तो जिसकी नकल करोगे जब वो ज़िंदा है तो तुम, वहाँ से मैंने नकल, तो ये मुझे सबक मिला। एक सबक मुझे मिला इब्राहिम अलकाज़ी ने, कि मैं एक दिन क्लास में नहीं गया और उन्होंने किसी से मुझे बुलवा लिया गया, और जब मैं पहुंचा क्लास में तो उन्होंने कहा कि कहाँ थे, तो मैंने जो बचपन की आदत पड़ी होती है कि बीमार थे हम, बचपन स्कूल में ही होता था कि नहीं जाते थे तो कहते थे कि बस बीमार है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मरना है तो मेरे सामने मरिए। वह तब से मैंने बीमार होना छोड़ दिया है। कुछ भी हो, तबीयत ख़राब भी होती तो किसी को पता नहीं लगता, मैं काम करके आ जाता। तो ये सारी चीज़ मेरे ख्याल 10 से ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं सब फिल्म से, मुझे बड़ा इश्क है, और शुरू की 5 जो है मैं वही बता देता हूँ कि वो मैसी साहब पहली फिल्म थी, सलाम बॉम्बे थी, दिशा थी एक फिल्म, और पपीहा सही परांजपे की मैंने 2 फिल्में की, साज एक फिल्म थी वो थी, बस यही है। तो जो मैंने पहली 5 वो ही फिल्म से मुझे 6 फिल्म मिली, शुरू हुई और की मैंने। आपको सलाम बॉम्बे कैसी मिली थी, आपको याद है? नहीं, कोई ऑडिशन कभी मैं, वो मेरा ऑडिशन आज तक नहीं हुआ, वो मैंने दिया भी नहीं आज तक, कोई ऑडिशन नहीं दिया, और मैं देना भी नहीं चाहता ऑडिशन। भैया मेरा काम देख लो, अगर दिखाई दे जाए वहाँ से आपको लगता तो लीजिए, नहीं लगता तो नमस्ते। मैं कभी ऑडिशन देने के उसमें नहीं देता। बड़ी बात थी कि आज की कास्टिंग जो मांगते हैं जी, इसको राज्यपाल यादव ने भी कहा था कि आजकल मतलब कोई भगवान हो गए हैं कास्टिंग में, क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं? मैं कहती कास्टिंग में ये लेते कैसे होंगे, ये जो ऑडिशन लेते हैं वो कौन है, कौन लोग हैं? पहले वो अपना ऑडिशन तो करवा लें कि उस लायक हैं कि नहीं। जब वही लायक नहीं तो फिर किसका ऑडिशन लोगे आप, कैसे करोगे? उसके लिए पहले आपको भी आना चाहिए, आपको कलर्स की पहचान होनी चाहिए, आपको जिंदगियों की पहचान हो जाए। तो ऐसे थोड़ी उठा के शक्ल देख के कि ये कर लेगा वो कर लेगा, तो मैं उससे वो नहीं रखता। या तो उसके लिए उतनी मशक्कत करिए, ये कोई भी उठ के, बहुत सारे लोग फ्लॉप लोग हैं जिन लोग कहीं कामयाब नहीं उठ के वो कास्टिंग करने लग गए, तो ये तो लोगों को भटकाने वाले काम है। बस कुछ लोग हैं जो बहुत बेहतर हैं, जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है, और कुछ लोग तो बस ऐसे ही। बस यही चाहूँगा कि मेहनत करिए, अपनी नीयत साफ रखिए और वक्त ज़ाया ना करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, ख़ास तौर पे माँ बाप का, क्योंकि वही अपने को, वो सपने में अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उनको 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 तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। उनको क्या, एक तो किसी और को भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। मेरे तो ये तो मदर के लफ्ज़ थे कि खुद चाहे तकलीफ़ उठाओ लेकिन दूसरे को मत पहुंचाना, उससे देखो कितनी ज़िंदगी में बहुत हो। तो फिर बस यही है कि सीखते चलो, रास्ता तय करते चलो, मंजिल मंजिल ना बनाएं, रास्ता बनाएं, ये बस।
और वो पांच डायलॉग जो आपको बहुत प्यारे हैं जी, अगर आप कह दें। मुझे मुझे कुछ याद नहीं है डायलॉग तो, अब तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से डायलॉग बहुत प्यारे हैं। सारे डायलॉग प्यारे हैं, अभी जो बोल रहा हूँ आपके साथ जो बातें करी सब प्यारे हैं, उनमें से पांच छांट लीजिएगा आप। पंचायत की कोई बिल्कुल याद नहीं है, पंचायत का कुछ भी याद नहीं है हमसे बात करने की, क्योंकि जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बोले बोले, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ऐसे याद करके रखने लगूँ तो फिर जो नया है उसको, उससे ऐसा लगता है उसके साथ बेईमानी कर लूँगा, तो कुछ याद करके नहीं, जो नया मिलता है उसको मैं तहे दिल से लेता हूँ और फिर उसको बोल देता हूँ। अगर मैंने पाँच बता दिए बहुत बेहतर, तो आने वाले पाँच उनके साथ बेईमानी होगी, तो मैं उनको कुछ नहीं बताना चाहता आपको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं फिल्म के लिए आने वाले तमाम। थैंक यू सर, थैंक यू।